दोस्तों आज हम इंसान, मशीन गन और हैंड ग्रेनेड के अलावा खतरनाक न्यूक्लियर वेपन की भी खोज कर चुके हैं, लेकिन ये तरक्की हमारे पूर्वजों की ही इंटेलिजेंस का नतीजा है। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज पहला हथियार इन्वेंट नहीं करते तो कभी जंगलों से बाहर ही नहीं निकल पाते और इंसानी सभ्यता का विकास ही नहीं हो पाता। पत्थर को नुकीला बनाने से लेकर भाला बनाने तक जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए हथियार बनाए, वैसे वैसे उनका दिमाग भी विकसित हुआ और उन्हें इस बात का अंदाजा लगा कि बड़े नुकीले दांतों वाले इतने खतरनाक जानवरों के बीच रहकर भी वो अपनी सूझबूझ से अपने कबीले की रक्षा कर सकते हैं और इलाके पर राज कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको इंसानों द्वारा पहला हथियार बनाने से लेकर समय के साथ हुई हथियारों की प्रगति की पूरी कहानी बताएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। आज से करीब 5.5 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का विकास हो रहा था। वो झुंड में रहने लगे थे और खूंखार जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया था। पर समय बीतता गया और ह्यूमन एवोल्यूशन होने के साथ साथ उन्होंने सर्वाइवल टेक्निक्स की खोज जारी रखी और अर्ली ह्यूमंस पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करने से लेकर अपनी रक्षा करने लगे। लेकिन एक छोटा सा पत्थर लॉन्ग डिस्टेंस में उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब जरूरत थी हथियार बनाने की, अपनी तरकीब को और ज्यादा विकसित करने की। समय के साथ साथ इंसानी दिमाग विकसित होने लगा और आज से करीब 5 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका के एक द्वीप पर अर्ली होमो सेपियंस ने पत्थर को नुकीला करके उसे एक मजबूत लकड़ी से बांधकर भाले का रूप दिया। हालांकि शुरुआत के कुछ होमो सेपियंस ने ही इस भाले का इस्तेमाल किया था, लेकिन जल्दी ही यह आविष्कार पूरे अफ्रीका में फैल गया और एविडेंस बताते हैं कि अफ्रीका और मिड ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली इंसानों की प्रजातियां इस भाले का इस्तेमाल करने लगी थीं। और हमारे पूर्वज इस भाले को अलग अलग तरीकों से चलाना सीख रहे थे। वहीं यूरोप में रहने वाले नियंडरटाल्स भी भाले का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। हालांकि इस हथियार की खोज तो होमो सेपियंस ने ही की थी, लेकिन दोनों में संपर्क होते ही ये तकनीक नियंडरटाल्स तक पहुंची। अफ्रीका और यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए यह भाला कुदरत के किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसका उपयोग ये लोग जंगली शिकारियों से अपनी जान बचाने के अलावा भोजन के लिए शिकार करने के लिए भी करते थे। इंसानों ने भाले को अपना लिया था और जानवर भी इस हथियार से वाकिफ होकर इंसानों से दूर भागने लगे थे। लेकिन आज से करीब 4,20,000 साल पहले इंसानों का सामना हुआ आग से। कुछ ही मिनटों में पूरे जंगल को जलाकर राख कर देने वाली ये आग इनके लिए बिल्कुल नई थी। पहले तो हमारे पूर्वज इस आग से डरने लगे थे, लेकिन फिर सर्द मौसम में इस आग से मिल रही गर्मी, चारकोल और रोशनी को देखकर उनके लिए यह आग एक वरदान बन चुकी थी और शुरुआत में वो इस आग को बचाकर रखने की तरकीब ढूंढने लगे, जिसके लिए वो जलते हुए जंगलों की टहनियों को अपनी गुफाओं में ले जाते थे। साथियों, धीरे धीरे उन्होंने दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की तरकीब खोज निकाली। हालांकि शुरुआत में आग जलाना उनके लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हर जीव से तेज दिमाग वाले हमारे पूर्वज धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि पत्थरों के बीच घर्षण होने से आग निकलती है, और कुछ समय में हमारे पूर्वजों ने इस तरकीब में महारत हासिल कर ली। इस बार आग की खोज होमो सेपियंस ने नहीं बल्कि यूरोप की नियंडरटाल्स प्रजाति ने की थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग प्रजातियों का ह्यूमन एवोल्यूशन उनकी जरूरतों के हिसाब से हुआ। जैसे कि होमो सेपियंस जल्द शिकार नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने भाले की खोज की और आइस एज विंटर में खुद को गर्म रखने के लिए नियंडरटाल्स ने आग की खोज की थी, क्योंकि अफ्रीका में तो मौसमी गर्मी के चलते होमो सेपियंस को आग की उतनी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। हालांकि बाद में हमारे पूर्वजों ने इस तकनीक का भी आदान प्रदान किया और धीरे धीरे इन्होंने आग का एक और उपयोग खोज निकाला, जो था आग पर खाना पकाना। क्योंकि पका हुआ भोजन खाने में तो स्वादिष्ट होता ही था, उसके साथ साथ उसका पचना भी जल्दी हो जाता था।
दोस्तों, भाले और आग के बाद बारी थी कुल्हाड़ी यानी कि एक्स की। वैज्ञानिकों को मिले ओल्ड एविडेंस के मुताबिक इंसान पहले एक नुकीले पत्थर को हाथ में लेकर हैंड एक्स की तरह इस्तेमाल करते थे। इन नुकीले पत्थरों का उपयोग पूर्वज शिकारों के शरीर से मांस निकालने और आग के लिए पेड़ की टहनियों को काटने के लिए करते थे, लेकिन हाथ में छोटा सा पत्थर लेकर यह प्रक्रिया करना काफी मुश्किल था। इसलिए आज से करीब 2,70,000 साल पहले अफ्रीका के इंसानों ने भाले की तरह कोर एक्स भी खोज निकाली। इस कुल्हाड़ी में एक वुडन हैंडल के आगे की ओर पत्थर लगा होता था और धीरे धीरे यह आविष्कार अफ्रीका के साथ दूसरे महाद्वीपों पर भी फैल गया। कुल्हाड़ी की खोज ने इंसान के लिए प्रगति के कई द्वार खोल दिए। अब वो इसका इस्तेमाल पेड़ काटने से लेकर अपने लिए छत वाला घर बनाने के लिए करने लगे। समय बीतता गया और हमारे पूर्वज सर्वाइवल के लिए भाले और कुल्हाड़ी के साथ कई पत्थरों का इस्तेमाल भी करने लगे, जिनका प्रमाण आज भी कई जगहों से मिलते हैं। विकास के साथ इंसान धरती को एक्सप्लोर करने लगे और आज से करीब 1,50,000 साल पहले इंसानों ने खाने और रहने की सुविधा के अलावा श्रृंगार की चीजों को खोजना भी शुरू किया, क्योंकि मादाओं को यह श्रृंगार की सामग्री काफी पसंद थी। इसलिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाने के अलावा इंसानों ने गहने बनाने भी शुरू कर दिए थे। वैज्ञानिकों को सबसे पुराने गहने मोरक्को से मिले हैं, जिसे स्नेल सेल्स को किसी धागे जैसे तार में बांधकर तैयार किया गया था। हालांकि इसका आविष्कार होमो सेपियंस ने किया था, लेकिन समय के साथ साथ नियंडेटाल्स और मॉडर्न ह्यूमंस ने भी इन मड़कों वाले गहनों को पहनना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इनके हैंड ब्रेसलेट भी बनाए गए। हालांकि इन गहनों को सिर्फ शेल्स से ही बनाया जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वज अभी तक सोना, चांदी और हीरे जैसे मूल्यवान धातु से नहीं मिले थे। ऐसे 80,000 साल बीत गए और आज से करीब 70,000 साल पहले साउथ अफ्रीका के होमो सेपियंस ने एक ऐसी खोज कर निकाली जिसने वेपन्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीर की। साक्ष्यों के मुताबिक हमारे पूर्वज होमो सेपियंस एक ऐसा हथियार चाहते थे जो जानवरों को दूर से ही मार गिराए, ताकि हर रोज जंगली जानवरों के पास जाकर अपनी जान खतरे में ना डालनी पड़े। यहां गौर करने वाली बात यह है कि विकास के साथ उनकी ऐसी सोच इसलिए डेवलप हुई थी क्योंकि अब वे लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए जीना चाहते थे, क्योंकि उनके पास घर था, परिवार था, खाना था, कपड़े व आभूषण थे और खुशी थी। इसलिए अब इंसानों के बीच जान की अहमियत बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने छिपकर शिकार करने के हथियार की खोज जारी रखी। इस तरह अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस ने पहले तीर और फिर कमान की खोज की। फिर आज से करीब 40,000 साल पहले यूरोप के लोगों ने भी तीर कमान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर अलास्का के लोगों ने इसे अपनाया और तीरंदाजी की तकनीक आखिर में अमेरिका तक पहुंची। यानी आज से करीब 12,000 साल पहले ही अमेरिका के लोगों को शिकार करने की इस तकनीक के बारे में पता चला था। कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया तीर कमान और अन्य आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी, तब भी यूरोप के नियंडेटाल्स पुराने हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी दौर में इंसानों के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जिस वजह से होमो सेपियंस ने अपने आधुनिक हथियारों से नियंडेटाल्स को मात दे दी थी। इसी वजह से उनकी संख्या में भारी गिरावट आई थी। साथियों, अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर पहले समय में ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का कोई जरिया ही नहीं था, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हथियार बनाने की तकनीक आखिर कैसे पहुंची? तो गुफाओं में मिले कई साक्ष्यों को देख वैज्ञानिकों का मानना है कि खाने और रहने की जगह की खोज में इंसान माइग्रेट हुआ करते थे और इस सफर में उन्हें दूसरे झुंड मिलते थे, जिनसे वो अपने तौर तरीके और हथियार बनाने की तकनीक साझा करते थे। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ग्रुप्स के बीच हुई शेयरिंग की वजह से ही हथियार पूरी धरती पर फैले थे। वहीं कुछ थियरीज के मुताबिक उस समय भी लोग नए हथियार देखकर उन्हें चोरी कर लेते होंगे और फिर उसके जैसे ही दूसरे हथियार बना लेते होंगे, या फिर उस समय भी बार्टर सिस्टम का उपयोग करके हथियार और बाकी जरूरत की चीजों का आदान प्रदान होता होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी महाद्वीपों पर तकनीक का विकास अलग अलग ही हुआ हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कई लाख साल पहले की थी,
इसलिए उनके जीवन से जुड़े साक्ष्यों पर आज भी विज्ञान स्टडी कर रहा है। और ह्यूमन एवोल्यूशन और हथियारों के विकास से जुड़ी जानकारी तो हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन हमारे पूर्वजों के जीवन से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी एक रहस्य की तरह हैं। इस चैनल पर आगे भी हम ऐसी ही कई पहलुओं पर बात करेंगे, तो अगर आप हमारे पूर्वजों के विकास में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।